सो वेल देखिए, अभी सरसों पूरी हरी थी, यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसे काटेंगे हरा सरसों तो हाल क्या होगा। यहाँ पे देखिए सब पूरे फीडर में। आज की इस वीडियो में देखिए मेरे पीछे जो है, ये है मिनी कंबाइन जो मेरे ट्रैक्टर में सेट हुआ है, हार्वेस्टर है, पूरी देख सकते हैं। और पहला दिन है, पहली कटाई है, पहली बार मैं इससे चला रहा हूँ। चलाने के लिए तो चलाया हूँ, लेकिन बट चला कलाया हूँ खेत में जो है कटाई पहली बार। तो सरसों तैयार हो चुका है, तो सरसों की कटाई देखिए हार्वेस्टर जो है सरसों सही काटता है या नहीं काटता है, अब इसके लिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो चल रही है, सरसों तैयार हो चुका है, तो सरसों की कटाई करेगी ये आज की इस वीडियो में। तो मैं दिखाऊँगा कि जो ये है मेरी जो सतनाम मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है, तो सभी जो है आपकी एक्स्ट्रा यानी गेहूं भी काटती है, उसका भूसा भी एक्स्ट्रा भी देती है, तो कंप्लीट वीडियो रहेगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं आगे कैसे कैसे ये वर्क करता है। एकदम सीधे यार ना बाना थोड़ी सोवेल देखिए, अभी सरसों पूरी हरी थी, यहाँ पे देख सकते हैं। और ऐसे काटेंगे हरा सरसों तो हाल क्या होगा। यहाँ पे देखिए सब पूरे फीडर में आपका जो है सरसों भरा पड़ा है। इधर भी तो जाम हो गया था पूरा इसका फीडर ही। तो देखिए सब पता नहीं कहाँ से लता पता सब एकदम फीडर है, पूरा जाम किया।
दिखाइए भरल है सरसों। यही सरसों कटर सरसों गया था काटने, और इधर जो है सरसों आपका निकला है। ठीक है, ये देखिए सरसों तो बहुत फ्रेश निकला इस ड्रम के मदद से, और ज़्यादा सरसों की कटाई नहीं की थी, हल्के कटा था। और इसके जो भूसे यानी एक्स्ट्रा स्टार्ट करने वाला है भूसा वाला, इसमें भी आप देख सकते हैं आपका इधर जो है भूसा पड़ा है सरसों का, उधर भी, और सामने जो दिख रहा है आप लोगों को वो उतना निकला है, इधर भी। ये सब जाकर पूरे थ्रेसर को जाम कर दिया था, इधर से आप लोग देख सकते हैं। ये फीडर भी आपका जाम हो गया था, इसको भी साफ करना पड़ा। आगे कटर में भी कुछ फंसा था, ऊपर जो है इसका ड्रम है, ये वाला ड्रम जो है इसमें भी फंस गया था, यानी पूरी तरह से इसको ये जाम कर दिया था। सोबेल सरसों गई थी काटने, लेकिन सरसों तो कटा नहीं। सरसों जो था बहुत ही हरा था, इसलिए सरसों काटा नहीं। और इसके जो फीडर में बहुत परेशानी हुई, यानी सरसों कटने के बाद थोड़ा सा कटा है, तकरीबन 5 से 6 मीटर एक ही बार गया, और बढ़िया से सरसों तो सरसों की जो क्वालिटी निकल रही है वो सही निकल रहा है, लेकिन जो सरसों जा तो सरसों था वो जाकर इसके फीडर में और जो भीतर ड्रम होता है उसमें जाके सरसों पूरी तरह से लपेट लिया था। तो सरसों काटेगा, लेकिन सरसों सूखा रहना चाहिए बढ़िया से, जैसे उसमें मॉइस्चर कम कंटेंट जो था कम रहना चाहिए, तभी जो सरसों आपकी अच्छे से काटेगा। अन्यथा आपको 1.5 से 2 घंटे फालतू में परेशानी होगी। बाकी आप देख सकते हैं जो इधर से चारी ओर से निकला है आगे का कटर, इसमें भी सरसों फंसा था, फीडर में भी, और ऊपर जो ड्रम है उसमें भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसे बस लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। हवा Thank you.